देखिए, सबसे पहले तो जो छात्रों ने हमें दिया, हमें जितना मतदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो परिणाम आए उसको हम स्वीकार इसलिए नहीं करते कि जब रिकाउंटिंग की हमने मांग करी और जब रिकाउंटिंग चल रही थी तो जो इतने वाले प्रत्याशी थे उनके कम से कम 25 से 30 वोट, जो कि तो सिर्फ 200 से 250 वोटों में इन लोगों ने रिजेक्ट किया है। आप अंदाजा लगाइए इन्होंने कितनी गड़बड़ियां की है, किस प्रकार से इन्होंने इस राजस्थान विश्वविद्यालय में एक जातिवाद का अखाड़ा बना के एक छात्र संघ चुनाव कराया। इस विश्वविद्यालय प्रशासन से भी ये निवेदन करूंगा, जब भी छात्र संघ चुनाव कराइए तो ये देखिए कि किस प्रकार से छात्र आप लोगों के बीच रहकर इन छात्रों की मदद करता है, ना कि यहाँ एक भ्रष्टाचार से। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन जिसको मर्जी अपनी तरफ से अध्यक्ष बनाने लग जाए। जो इनका नियम कहता है, जो इनका संविधान कहता है कि बैलेट नंबर के बॉक्स के अलावा सील नहीं होनी चाहिए, ऐसे वोट इन्होंने हमारे अधिक से अधिक कैंसिल करे। और उसी के साथ साथ जो प्रत्याशी है, जो आप लोगों के बीच इस राजस्थान विश्वविद्यालय का इन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है, स्वागत करते हैं हम उनका, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी अवगत कराएंगे कि जिस प्रकार से जिस भ्रष्ट और दलगत राजनीति करके आप इस राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हो, निवेदन करते हैं कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल आप आगे क्रिएट नहीं करें। आप लोगों को जिन्होंने चुना है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी उन लोगों की मदद करें। मैं अमित कुमार बडबडवाल, यह हार विद्यार्थी परिषद की हार नहीं है, ये हो सकता है अमित कुमार बडबडवाल की हार है। विद्यार्थी परिषद वर्ष के 365 दिन आप लोगों के बीच रहकर कार्य करता है। जो लोग हमें वोट करा और जिन लोगों ने हमें मतदान नहीं भी किया, ये राजस्थान विश्वविद्यालय हमारा परिवार है। इस विश्वविद्यालय में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो छात्र संघ ऑफिस में, अगर उसकी समस्याएं का समाधान नहीं हो देखिए, अगर इस विश्वविद्यालय में और इस राजनीतिक अखाड़े में, जिसे आप राजनीतिक अखाड़ा कहते हैं, इस राजनीतिक अखाड़े में अगर जिस प्रकार से जातिवाद हैवी होता जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊं, जिस प्रकार से ये वोट हैं निर्वाचन करके जिस प्रकार से ये चुनाव कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर जातिवाद इस राजस्थान विश्वविद्यालय में बढ़ता जाएगा, मुझे नहीं लगता ये सही दिशा में जा रहा है ये राजस्थान विश्वविद्यालय। छठी बार नकारा है आम छात्रों ने एबीवीपी को, क्या कहोगे आप? एक तरह से एबीवीपी की वाहवाही कर रहे हो, नकार दिया है बिल्कुल ही छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में छठी बार। देखिए, नकारा है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जातिवाद बढ़ता जा रहा है, हम सिर्फ एक जाति के नाम पे वोट मांगने नहीं आते। हम जब पैनल घोषित करते हैं तो हम शेड्यूल कास्ट के भी कैंडिडेट लेते हैं, जनरल का भी हमारा कैंडिडेट होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा SC ST, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी जात को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी लोगों को पता है जिस प्रकार से परिणाम इस राजस्थान विश्वविद्यालय संगठक कॉलेजों में रहे हैं। विद्यार्थी परिषद को नकारने की बात नहीं है, बात है यहाँ पे ये लोग, ये छात्र जो यहाँ नए नए आते हैं और वो किस प्रकार की राजनीति यहाँ इस विश्वविद्यालय में चाहते हैं। आप राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आए थे, उसके फेल होने का क्या कारण समझते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा ना तो भविष्य में आगे फैल होगा, ना पहले कभी फैल हुआ। जब कश्मीर को भारत से एक करने की बात आई तो 1990 में हमने ये मुद्दा उठाया था। अगर हमारा मुद्दा फैल होता तो आज आपको बता दूं धारा 370 और 35 से भारत देश से नहीं हटती। कैंपस में हमने इसको उठा के वोट मांगने की अपील नहीं करी, लेकिन जो राष्ट्रवाद की बात आई, हम बढ़ चढ़ के कहेंगे राष्ट्र के लिए जीते है हमारा राष्ट्र, हमारा खुद का राष्ट्र। मिला देता तो जीत और गुना जाता कोई सर है सर एक बात अमित जी ये तो यार चुनाव भाई थैंक यू मिला भाई यार थैंक यू गए ओके संभालना राजस्थान बस हमारा दिन।